आप घबराइए मत, हम समझ सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। मैडम नहीं, आप नहीं समझ सकती कि हम पर क्या गुजर रही है। क्यों, मैं भी तो एक लड़की हूँ। लेकिन हम नहीं है ना। घबराई हूँ, लड़की है ना हम। देखिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत, जिन्होंने आपको छेड़ा ना उनके खिलाफ FIR लिखवाइए और फिर हम उनको दिखाएंगे अपना फौकाल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिविलियन हैं। हमको पता है, क्या है ना कि आप लोग का यूनिफॉर्म देखकर नाम और ऐसे ही ऑटोमेटिकली सम्मान निकल गया। बहुत अच्छा लगा हमें ये सुनकर, लेकिन फिलहाल हमें आपके सम्मान की नहीं, आपके भरोसे और थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। बिना डरे बिना घबराए FIR लिखिए, ये पूरा थाना आपके साथ है। करिश्मा सिंह जी। मैडम सर गुड जॉब। हमने डिपार्टमेंट से 2 दिन मांगे थे FIR के लिए, लेकिन आपने ये काम बहुत जल्दी कर दिया, मच अप्रिशिएटेड। थैंक यू मैडम सर। FIR रजिस्टर कहाँ है? वहीं दराज में। रजिस्टर तो दराज में ही होता है, हम तो ऐसे ही गेस कर लिए। हाँ तुम निकालो ना रजिस्टर, लिखो FIR। नाम बोलिए आपका। जी चिमरन। चिमरन, ये कैसा नाम हुआ? काजोल का था ना, डीडीएलजे में। पर वो तो सिमरन था ना। हाँ वो तो, हमारी माँ ने भी हमारा नाम सिमरन ही रखा था, पर क्या है कि मेरी माँ ना तोतली है, तो पहली बार बोली ना तो उसके मुंह से ना चिमरन निकल गया, तब से हमारे सिमरन का चिमरन हो गया और सारा जहाँ अब हमें सिर्फ चिमरन बुलाता है। अच्छा फिर क्या वो चिमरन? एक मिनट का फिर, अमा तुम चिमरन चिमरन जो भी है लिखो ना, अच्छे से लिखो FIR, हम आते हैं अभी। बच गए भगवान। बच गए भगवान, जो आप लोग जैसे लोग सही समय पर वहां पर पहुंच गए, नहीं तो हमारे साथ तो बहुत बुरा हो जाता ना मैडम। बचा लिया भगवान। नंबर बोलिए आपका। नंबर लिखिए 3869024 8। ये फोन हमारे एक टीम मेंबर के पास भी ऐसा सेम फोन है, जरा दिखाइए। फोन का क्या है, मार्केट में एक जैसे फोन हजारों मिलते हैं, तो बहुत से लोग सेम फोन इस्तेमाल करते हैं, तो फोन का क्या है? अच्छा जी, दिखाना, मैं अपना देखती हूँ, दिखाओ। दिखाइए मुझे फोन तो से। देखिए ना, तुम्हारी मौसी जी का फोन आ गया। तो FIR FIR तो बाद में करवा लेंगे, अभी ये फोन उठाना बहुत जरूरी है। नंबर पे पहले FIR लिख लेते हैं। मौसा जी जरूरी है, हमारे मौसा जी का फोन। अरे पहले FIR तो लिखो। अरे संतोष जी। हेलो चीती, तेरा फोन कहाँ है? अब हमने उठाया है तो हमारे पास ही होगा ना। कमाल करती हैं आप। तू थाने कब आ रहा है? बस चेंज करके आते हैं। चेंज करके मतलब कि चेंज लेकर आते हैं। कहा है ना कि सुबह से 5,000 का नोट लेकर घूम रहे हैं हम, और उसी का चेंज लेकर आना है तो लेकर आते हैं। 5,000 का नोट? अरे आ गया है, अभी ताजा आया है, आपको मालूम नहीं है का? ओ नहीं। अरे बताइए जैसे मिलेंगे आपको दिखाते हैं हम 5,000 का नोट। हाँ ठीक है, तू जल्दी थाना। ठीक है संतु जी, हम लेकर आते हैं। उफ ये मासूमियत। संतु हुआ ना FIR? नहीं मैडम सर, वो FIR लिखने से पहले ही लड़की भाग गई। भाग गई मतलब? तो अम्मा तो जाओ ढूंढो उसे, और हाँ सिविल ड्रेस पहन के जाइएगा ताकि वर्दी की वजह से वो दोबारा घबरा ना जाए, और प्यार से समझा के उसको वापस लाइएगा। जाओ जल्दी। अम्मा क्या बिल्ले, ऑटो अभी मिलेगा कर करके कहाँ तक चला के लेके आए तुम हमें? वो देखो इधर ही, चलते चलते। वैसे एक बात कहें हम,
अगर तुम आज हमारे साथ नहीं होते ना तो हमको इतने सारे कपड़े मिलते ही नहीं अपने डांस प्रोग्राम के लिए। चलती है तुम्हारी मार्केट में, हाँ? बस तुमने एक बार कह दिया और दुकानदार ने पूरी दुकान खोल दी। पुष्पा जी, जस्ट पर्सनल रिलेशन, उसको पता है अभी दुकान नहीं खोलेगा तो रात को खुल जाएगी। बिल्ले, पुष्पा जी क्या जोगी, बिल्लू द स्पाई। अच्छा सुनो, हमको डांस सिखाने के लिए वो डांस मास्टर आने वाले थे ना, कहाँ है वो? फोन दे दो। हमारा फोन क्यों? अरे हमारे पास। पुष्पा जी, आपने डांस मास्टर का नाम लिया और इधर डांस मास्टर हाजिर, यही आपके डांस मास्टर नहीं। अच्छा तो आप हैं? जी जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? लंबी। हाँ लंबी उम्र है इनकी अभी देखा। बिल्कुल ठीक है। बिल्लू जी आप ना जरा साइड में आइए, हमें आपसे बहुत जरूरी काम है। डरो मत, मैं हूँ। आप डांस सिखाएंगे हमको? जी। वैसे बहन वो हमको ना कमर में थोड़ा सा दर्द है, तो जो डांस स्टेप दीजिएगा ना वो एकदम हल्के हल्के दीजिएगा। हाँ हाँ वो ठीक है। आपने आपका नाम क्या बताया? जी जी चिमरन। चिमरन चिम चिमरन नाम चिमरन। अच्छा है अच्छा है। वैसे नाम में क्या है, गुण होने चाहिए। हाँ तो बहन चले हम थाने, वो सबसे मिलवा दे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो बिल्कुल चलो चलो। वैसे ऑटो तो यहाँ मिल नहीं रहा है। ए, उधर से ही तो भाग के आ रहा हूँ मैं। नहीं अब हमारे पैर भी अभी निकल नहीं गया। चलो 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 अरे तो तुम हमें चलो भाई। चलिए चलिए थाने में चलिए। चीते चीते अब तो तेरी खैर नहीं बेटा, मैडम सर को फोन करके बता दिया है हमें, आ रही है वो बस। हम जा जानते हैं कि सब हमारी गलती है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम अकेले नहीं है। ये पापी बिल्ला सारे फसाद की जड़ यही है, इसी ने कहा था हमको लड़की बनने के लिए। अरे इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जो बिल्लू कहेगा वो आग बंद करके मान लेगा। इस सब की वजह ये है। कौन है? आप। हम? हमारी वजह से हो रहा है ये सब? आपकी वजह से ही हो रहा है। अरे आपने रिहर्सल हॉल में ताना मारा था ना कि इंटर डांस कंपटीशन में भाग लेना है, तभी लड़की बनेगा। लड़के ने दिल पे ले लिया, तभी लड़की बन गया। सारा फॉल्ट आपका है। अरे इनका है। किनका? आपका। हमारा? हमारा फॉल्ट कैसे आ गया भाई? हाँ आपका है। क्या जरूरत थी उसे उठाकर सीधा यहाँ थाना लेकर आने की? उसको मौका देना चाहिए था ना बताने का कि वो लड़की नहीं लड़का है, अपना चीता है। अब कब से बैठ के बकर बकर कर रहे हैं यहाँ पे, बता नहीं सकता था कि मैं चीता हूँ? डर गया होगा ना बेचारा, देखो अभी भी कितना डरा हुआ है। उसको लग रहा होगा अगर मैं सच बताऊंगा तो और पिट जाऊंगा। क्या शीज राइट और तुमको मारे कभी? आज तक मारा तुमको कभी? और तुमको तुमको कब मारा हमने? कब मारा? अक्सर। क्या बोले? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं कि करिश्मा मैडम ने तुमको कभी मारा है, तो तन्हाई से यही आवाज आती है, कभी नहीं कभी नहीं। सुना पुष्पा जी आपने, कभी नहीं कभी नहीं। ये जो फ्लो फ्लो में आप हमारी जूनियर से हमारी सास का कैरेक्टर पकड़ लेती है ना, इस पर थोड़ा कंट्रोल लगाइए। भूलिए मत कि ये थाना है हमारा घर नहीं, और हम यहाँ आपके सीनियर और आप हमारी जूनियर। देखो देखो कैसे डरा रही हो, इसे डराने नहीं कहते तो और क्या कहते, आंखें बड़ी बड़ी करके। हो गया आप लोगों का। हमने डिपार्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लिए हैं FIR के लिए, जिसमें से आधा समय ऑलरेडी बीत चुका है, इसलिए बचा हुआ समय अगर आप झगड़ने में ना वेस्ट करें और FIR ढूंढें तो बेहतर होगा।
क्या आइडिया है? सेल्फ रियलाइजेशन। हमको हमको ना ऐसा रियलाइज हो रहा है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, ना ही हम संतु जी के साथ स्टेज पर नाचने का इतना बड़ा सपना देखे होते, ना ही सब कुछ होता। सॉरी मैडम सर। मगर संतु अभी है कहाँ? वो हमने भेजा ना ये टोपा, ये जो चिमरन है इसी को ढूंढने के लिए भेजा हमने। तो फिर कहाँ है वो? अब भैया आपने 5 फीट 6 इंच की और हरा और लाल कलर का एक लड़की ने सूट पहना था, ये कहीं आसपास देखा है? हमने तो ना देखा। नहीं, आपने देखा है? नहीं मैम, नहीं देखा। अभी अभी देख। अच्छा क्या मैडम, हम कुछ मदद करें आपकी? मिलकर ढूंढते हैं ना मैडम, किसे ढूंढ रहे हो? वैसे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? अरे आइए ना, इत्मीनान से बैठकर सोचते हैं कि कहाँ देखे आपको। आइए। हाँ आइए ना। अरे रुकिए ना मैडम, अभी बात खत्म कहाँ की हुई है। आइए ना, आपको पूरे शहर की सैर करवा दें। तो शर्म की होते बे। देखिए मैम दूर रहिए, बिना एफआईआर के हाथ भी लगाया तो बहुत पछता होगी। तुम्हारी तो। करिश्मा मैडम प्लीज, आप रुक जाइए, हमारा काम हो गया। अभी तो हो गया ना जो उस दिन पुलिस स्टेशन में। हमें इनके खिलाफ एफआईआर चाहिए थी ना, मैं रजिस्टर करवाऊंगी इनके खिलाफ एफआईआर, क्योंकि अभी इन दोनों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। बात तो तुम्हारा बिल्कुल सही है, एफआईआर तो हमको चाहिए। बात संतोष मान गए आज तुम्हें, क्या काम किए तुम दोनों। पिछली बार तुम्हारा खातिरदारी नहीं कर पाए ना, इस बार वो खातिरदारी करेंगे कि मुझसे कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुम साना देखा। चलो चलो। ये लो संतु, हो गई तुम्हारी एफआईआर लिख के, अब यहाँ नीचे ना दस्तखत कर लो। और क्या चल रहा है? एफआईआर लिखाइए इनके खिलाफ। किसने? मैंने। आपने? क्या किया ये लोग आपके साथ? अरे इन्होंने संतोष जी को भी छेड़ा है। क्या? कमीना लोग आपको छेड़ा संतोष जी? तो और क्या तुम्हें छेड़ते? तुम इसे पहले ही छेड़ चुके हो। बहुत गलत कर दिया ये लोग हैं? इस ससुर के नाती मार के गल फाड़ देंगे। चीते चीते, तुम क्यों करिश्मा सिंह बन रहे हो? एक करिश्मा सिंह काफी है इस थाने के लिए। वो इन दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगी ना कि इनके जुबान से एक ही बात निकलेगी। मम्मा मारा कहा है अब तक तुमको? माँ बेटा माँ बेटा बेटा माँ तू चिंता मत कर बेटा, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा तुझे यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे। अगर तेरे पापा तुझे यहाँ से निकाल के नहीं ले गए ना तो हम रूठ के मुआ के चले जाएंगे, बता देते हैं। अरे हम इसको बात करेंगे ना। कब कब? अरे बात तो करने दो, करेंगे करेंगे। अरे मेरा बच्चा। मैडम सब ठीक है ना? तो हम निकले? रुकिए, आप जा सकते हैं, लेकिन एक बार अपने बेटे को ठीक से समझा दीजिए कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अमित बेटा सुना ना मैडम क्या कह रही। हाँ बेटा देखो, अच्छे बच्चे ऐसी बदतमीजी नहीं करते है ना, और खास तौर से महिला पुलिस के साथ तो बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करोगे, ठीक है? सॉरी पापा। हाँ देख हमने समझा दिया, बेटा समझ भी गया, वो ऐसा कभी नहीं करेगा मैडम। तो हम निकलते हैं। रुकिए, महिला पुलिस नहीं, किसी भी औरत के साथ ऐसा दोबारा ना करें। अब सुना, किसी भी मतलब किसी भी, ठीक है? जी बाबा। एक मिनट, ऐसे समझाइएगा इसे आप, ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसने किसी के घर जाके फ्लावर पॉट तोड़ा है, लड़कियों को छेड़ा खुलेआम इन्होंने, बदतमीजी किया लड़कियों के साथ इन्होंने। अमित बेटा मैं तुम्हें तो
खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ कहा तो मैं आके चली जाऊंगी। मैडम जी, हमारा बेटा कोई क्राइम नहीं कर सकता है। अरे हमारा बेटा बहुत अच्छा है, उसको थोड़ी मजाक करने की आदत है और कभी कभी किसी के साथ ना थोड़ी ज्यादा मजाक कर देता है तो लोगों को बुरा लग जाता है। क्यों जी? हाँ जी, हाँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैडम को खुल के बताइए ना। हमारा ये अमित है ना, हंसाता रहता है, बचपन से हंसाता है। लेकिन ये बात मजाक की नहीं है, एक बार जरा उन लड़कियों से जाकर पूछिए कि उन पर क्या बीतती है। सदमा है ये, हादसा है उनके लिए। कई बार पूरी उम्र लग जाती है ऐसा कुछ भूल जाने में, और कुछ लड़कियां अपनी जान भी गवा देती हैं। और आप लोगों को ये सब मजाक लग रहा है। शर्म आनी चाहिए कि इतना कुछ हो गया है फिर भी इस सब की गंभीरता किसी को समझ नहीं आती। नहीं नहीं मैडम जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। हाँ मतलब समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये भी तो समझना पड़ेगा ना मैडम जी कि आजकल की लड़कियों को भी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए लड़कियों को? नहीं हमें समझाइए, हम समझना चाहते हैं कि लड़कियों को क्या समझना चाहिए। मैडम जी हम समझाते हैं, सारी लड़कियों को अपने मर्यादा में रहनी चाहिए। हमारे घर पे भी लड़कियां हैं, उन्हें तो कोई नहीं छेड़ता। रोड पे लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों के साथ मतलब गस्ती करेंगी तो लड़कियों को छेड़ेंगे नहीं, हंसी ठिठोली करेंगी तो क्या लड़कियों की आरती उतारेंगे? और हमें देख लीजिए, जवान तो हम भी हैं मैडम, पर आज तक हमें किसी ने छेड़ा नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि लड़कियां अपने घर पर बैठ जाए इस डर से कि वो बाहर निकलेगी तो उनको राह चलते लड़के छेड़ेंगे, और ये आवारा लड़के जो है ये बाहर घूमे जिनके वजह से लड़कियां डर के बैठी अपने घर पर। वाह क्या सोच है आपकी। हमें अपने बच्चों का ख्याल रखने आता है मैडम जी, आप हमें मत समझाइए, समझी? और आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, चलते हैं कि मैं मायके जाऊं? अब निकले हम मैडम जी। आप मैडम से क्या पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं ना चलिए। नहीं नहीं हम निकल रहे हैं मैडम जी, हम निकलते हैं, चलो बेटा आओ। वाओ ये अच्छा दिखेगा। नहीं नहीं पुष्पा जी आप पे। अरे अच्छा हुआ आप आ गई, आइए अपने डांस के लिए इसमें से कपड़े ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ रही हैं आप? से कुछ पूछा कहाँ जा रही हैं आप? बहुत गुस्से में दिख रही हैं, हम ऐसे आपको जाने नहीं देंगे, बताइए कहाँ? ये लड़की ना हमको जीने नहीं देगी, रुक जाइए। आप बेसबॉल खेलने का भी शौक रखती हैं, हमें पता नहीं था। मेहरबानी करके मैडम सर इस बार आप हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, हम जहाँ जा रहे हैं हमें वहाँ जाने दीजिए। मैडम सर सीधा रास्ता पर चलकर हम देख चुके हैं, कुछ नहीं मिला हमको। आंख देखा था आपने उनका, ना कानून का डर था ना गलती का पछतावा था, बल्कि उनका आंख हमसे ये बोल के गया कि भैया हम तो ऐसे ही रहेंगे, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ो, तो अब हम उखाड़ने जा रहे हैं। वो हाल करेंगे ना उसका कि किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले ना हजार बार सोचेगा। हम आपका गुस्सा बहुत अच्छे से समझते हैं करिश्मा सिंह, लेकिन मैडम सर हेडक्वार्टर से फोन आया, अर्जेंट। जय हिंद सर। आई एम वेरी अपसेट मिस मलिक। जो आपको एफआईआर नहीं मिला तो अपने थाने के ऑफिसर द्वारा फेक रिपोर्ट बनवा के केस बना लिया। नहीं सर, रिपोर्ट फेक बिल्कुल भी नहीं है, उन लड़कों ने सच में कांस्टेबल संतोष के साथ बहुत बदतमीजी की है। वाह भाई ये तो आज भी बुरा हुआ ना, जब लोगों को पता चलेगा कि जो हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं वही सुरक्षित नहीं है तो क्या सोचेंगे? अरे महिला थाने पे भरोसा कैसे होगा किसी को, बताइए भला। हाँ तो महिला थाने की आवश्यकता क्या है, सामान्य थाना खुलवा देते। देखिए सर हमने दो दिन का वक्त मांगा था और दो दिन अभी पूरे हुए नहीं है, होने से पहले आपके हाथ में एफआईआर रिपोर्ट होगी ये हमारा वादा है।
जय हिंद सर। जय हिंद। वादा तो कर दिया मैडम सर आपने, पर आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। हमें दीजिए ना परमिशन, हमें करने दीजिए जो हम करने जा रहे हैं। आप जो कुछ भी करना चाहती हैं वो आप नहीं करेंगी, एंड दैट्स एन ऑर्डर। और जहां तक बात ऑप्शन की है, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैडम सर, आज तक हम आपके सारे ऑर्डर्स इसलिए फॉलो नहीं करते हैं कि आप हमारी सीनियर हैं या हमें प्रमोशन का लालच है, बल्कि इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम आपका बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और दिल से इज्जत करते हैं, और आप ये बात जानती हैं। बाहर में क्या सीआर रिपोर्ट नहीं चाहिए हमको। ठीक है, इस बार भी हम आपका बात मान लेते हैं, लेकिन इस बार हमारा एक कंडीशन है। जितना भी वक्त हमारे पास बचा है, अगर उस वक्त में अगर इस सिचुएशन को आप अपने तरीके से हैंडल नहीं कर पाए ना, तो इस सिचुएशन को हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे और आप इस बार हमें नहीं रोकेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।